14 वर्षों के वनवास के दौरान जिन जगहों से गुजरे थे भगवान राम, अब पैदल उस यात्रा पर निकली यह महिला। अयोध्या से पैदल चलकर प्रयागराज पहुंची वाटर वूमेन शिप्रा पाठक का भव्य स्वागत। वाटर वूमेन शिप्रा पाठक प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर हुआ भव्य स्वागत। रामराज का संदेश लेकर रामेश्वरम तक पदयात्रा करेगी शिप्रा पाठक। सरयू से सागर तक की यात्रा पर निकली शिप्रा पाठक। पर्यावरण बचाने के लिए जंगल नदियों के संरक्षण की जरूरत। पैदल चलने वाली वाटर वूमेन शिप्रा पाठक की कहानी। ये है वाटर वूमेन के नाम से मशहूर MBA पास उम्र 38 की शिप्रा पाठक। हाथ में लाठी है, साथ में 10-15 लोग। पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वरम करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रही हैं। अयोध्या से प्रारंभ हुई यात्रा उन जगहों पर जाएगी जिन जगहों पर भगवान राम अयोध्या से होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचे थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित किए जाने का उद्देश्य है। उप्रकिन्न वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और उप्रकिन्न अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना माँ ने कहा कि भगवान श्री राम का साथ किन्न समाज ने दिया था, ऐसे में हम सभी लोग वाटर वूमेन शिप्रा पाठक के साथ हैं। बता चले कि शिप्रा पाठक का स्वागत दिव्यांग उत्थान श्री राम सेवा न्यास द्वारा अभिषेक तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय की ओर से महर्षि भारद्वाज प्रतिमा पर किया गया। साथ ही प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी, उप्रकिन्न वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और उप्रकिन्न अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना माँ, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज, वरिष्ठ भाजपा नेता रईस चंद शुक्ला, तनय पांडे, रोहित तिवारी, गौरव पांडे, आलोक मिश्रा, गिरीश द्विवेदी, दीपक कुमार, रतन कुमार सहित अन्य लोगों ने भी उनका स्वागत किया। इसके पूर्व आज सुबह वाटर वूमेन शिप्रा पाठक ने संगम स्नान कर बड़े हनुमान जी और महंत बलबीर गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सनी केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। एक पद यात्रा जा रही है मेरे द्वारा और ये इस संदेश के साथ जा रही है कि प्रकृति का दोहन और शोषण जिस तरह से मानवता ने किया है उसमें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस यात्रा के दौरान जो भी जंगल पड़ेंगे उनकी क्या दशा है और उनको सुधारने के लिए क्या सूत्र अपनाए जाएंगे, इस पर मनन करते हुए, विचारते हुए, जन सहयोग को जोड़ते हुए ये यात्रा पहुँचेगी ताकि यात्रा उपरांत हम उन जंगलों पर और नदियों के संरक्षण पर कार्य कर सकें। आप MBA की हैं, नौकरी भी करती हैं, कर चुकी हैं और इसके बाद आप ये बीड़ा उठाया है, मन में क्या ख्याल आया कि आप इस मार्ग पर चली आई? नदियों की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ AC ऑफिस में बैठकर एक बिजनेस चलाते हुए नदियों के प्रति दुख व्यक्त करने से कोई भी सुधार नदियों का नहीं होगा। उसके लिए मुट्ठी भर ही सही कुछ प्रयास हमें भूमिगत करने पड़ेंगे और यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर नदियों पर अपना जीवन समर्पित किया। परिवार के लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, प्रथम आधारशिला जो इसकी सफलता की है वो यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट है और वैसे भी सब धार्मिक परिवेश से ही मैं आई हूँ। माता पिता के संस्कार और सनातन परंपरा हमारे परिवार में थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस परिवार में कुछ नया कर रही हूँ। वो परिवार जो करता आया उसकी आगे की एक कड़ी हूँ मैं। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद आप? हमारी संस्था ने 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं, 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है मेरा, इसी श्रृंखला में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ और नई नदियों को देखकर उनके सुधार कार्यक्रम बनेंगे।